नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में भी अब अटकलें तेज हो गई हैं और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी जो है झारखंड में आने वाले समय में बदल जाएगा। आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होटवार जेल में जाकर मुलाकात की है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा उनसे बात करेंगे। राकेश जी, पहले भी अटकलें लगती रही थी और क्योंकि ये दूसरी मुलाकात है और ये भी कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन क्योंकि गांडे उपचुनाव जीत चुकी हैं, चेहरा बदलने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, इसके हिसाब से जो है आज मुलाकात हुई है, क्या लगता है? किसने कहा कि चेहरा बदला जाएगा? बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम बचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी को पहले ये समझ लेना चाहिए कि हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। क्योंकि भाजपा में अध्यक्ष का कोई वैल्यू नहीं होता, पूरा चुनाव जेपी नड्डा ढुलमुलिया खाते रहे, एक व्यक्ति पर पूरा चुनाव लड़ लिया गया। राज्य में बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं उनकी चर्चा नहीं हुई पूरे राज्य में, तो ये भाजपा में होता होगा। अन्य राजनीतिक दलों में जो अध्यक्ष होते हैं उनका एक स्थान होता है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस पार्टी हो, और हेमंत सोरेन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। और मुख्यमंत्री अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी साजिश और षड्यंत्र के तहत जेल में रखने का काम किया है, तो इसमें भाजपा को बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए दर्द हो रहा है कि बाबूलाल से मिलने कोई विधायक और कोई सांसद नहीं जाता। इसलिए अगर ये दर्द है तो इस दर्द को वो पाल के रखें, हमें कोई एतराज नहीं है। चेहरा बदलता है तो आप लोगों का समर्थन रहेगा? नहीं, चेहरा बदलता है ये प्रश्न कहाँ है? ये प्रश्न है ही नहीं। जब ये प्रश्न नहीं है, देखिए अभी देहात में एक ठो कहावत है कि अभी बर्तुहार आया नहीं और हम छठी के लिए रूम बुक करने लगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें जब ये अटकलें चल रही थी और ईडी की पूछताछ हो रही थी, उस समय भी तो ये कहा जा रहा था कल्पना सोरेन नहीं लड़ेंगी चुनाव, लेकिन चुनाव लड़ी, जीत कर भी सामने आ गई, तो पहले से बोला जा चुका है और इस तरह की बात जो है एक बार फिर से बोली जा रही है। ये अफवाहें सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम के लिए ही उड़ती है और हमें ये लगता है कि इन अफवाहों से आप लोगों को भी बचना चाहिए, क्योंकि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आप लोग अगर इन अफवाहों से नहीं बचेंगे तो स्वाभाविक तौर पे जनता के बीच एक गलत मैसेज जाता है। तो कहीं ना कहीं ना बाहों से लोग को बचाना भी आपकी जिम्मेवारी है और स्वयं बचना भी आपकी जिम्मेवारी है। मतलब ये मान के चल रहे कि आगे भविष्य में नहीं होगा। चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। मंत्री आलमगीर आलम के जितने भी विभाग थे वो ले लिए गए हैं और ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि वो खुद इस्तीफा नहीं देना चाह रहे थे, लिहाजा अब जो है जबरदस्ती उनसे जितने भी विभाग थे वो ले लिए गए हैं। नहीं देखिए, विभाग वापस लेना ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, लेकिन ये सही था कि आचार संहिता के बाद आलमगीर साहब का इस्तीफा होता, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ सोच समझ के ये निर्णय लिया होगा, तो हमें लगता है कि इस निर्णय पर कोई ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं है। कल तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लेने वाले हैं। झारखंड से जो एनडीए के गठबंधन के जितने भी सांसद हैं, लगता है कि यहाँ से कोई मंत्री बने, क्योंकि अर्जुन मुंडा पहले थे और राज्य मंत्री के रूप में अन्नपूर्णा देवी थी, लेकिन अब अर्जुन मुंडा चेहरा नहीं। नहीं देखिए, कौन मंत्री बनेगा, हमें लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अधिकार है, वो किसी को भी मंत्री बनाए, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार बहुमत राज्य में दिया है। आप देखें तो लगभग 9 सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लोकसभा में जीती है, तो हम उन 9 सांसदों से जरूर आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि राज्य की जनता ने आपको वोट देने का काम किया है, तो जब आप सदन में बैठे हैं तो जरूर महंगाई पे चर्चा करें, जरूर बेरोजगारी पे चर्चा करें, जरूर सरना धर्म कोड पर चर्चा करें, और यह चर्चा यह भी करें
कि राज्य का जो 1,31,36,000 करोड़ रुपया बाकी है उसको आप दिलाने का अथक प्रयास तो एक बार जरूर करें ईमानदारी से। ऐसे प्रधानमंत्री आपकी बात कितना सुनेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन कम से कम सदन में इन मुद्दों को जरूर आप उठाएं ताकि राज्य की जनता भी आपके ऊपर एक बार फिर भरोसा कर सके। तो इनका कहना था कि जितने भी सांसद बने हैं बीजेपी के, जब वो यहाँ से संसद में अपनी बातों को रखते हुए नजर आए तो यहाँ के जो मुद्दे हैं, साथ ही जो बकाया राशि है वो भी कहीं ना कहीं रखने की कोशिश करें, और यहाँ के जो जन मुद्दे हैं वो भी संसद में रखने की कोशिश करें ताकि राज्य के हित की बात जो है वहाँ तक पहुँचे और राज्य का विकास हो। और साथ ही इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि कल्पना सोरेन के रूप में, जो चेहरा के रूप में आरोप लगाया जा रहा है कि कल्पना सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा के रूप में सामने आएगी, लेकिन उसमें कोई सच्चाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलता है या फिर नहीं बदलता। न्यूज़ बायस्कोप के लिए कैमरा सन विकास के साथ नीरज कुमार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तुविहार। बीस वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153980